वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले 12th न्यू सिलेबस चैप्टर फर्स्ट का मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.5। ओके, तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चंस दिए गए, यहाँ पे हमें सर्किट रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो उसका पहले हम बेस देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस है जो सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए। ओके, चलिए बेस देख लेते। बेस देखते, यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया जाएगा। यहाँ पे इसमें आपको इस सीरीज में स्विच दिए जाएंगे S1, S2 और S3 तक। ओके, यहाँ पे S3 से ज़्यादा स्विच नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो करंट है, बड़ा वाला जो बैटरी है, यहाँ से जो ये फ्लो होगा और यहाँ से फ्लो के यहाँ सर्किट से आगे बढ़ के यहाँ पे जो बल्ब है वो जलेगा। ओके, तो यहाँ पे L4 लाइट, मतलब यहाँ पे हमें बल्ब दिया गया है। यहाँ पे इसमें दो सेल है, मतलब क्या है, बैटरी है इसमें। और ये जो करंट यहाँ पे जो बड़ी वाली लाइन है, ये यहीं से फ्लो होगा, यहाँ पे छोटी वाले पे से नहीं। तो यहाँ पे जो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे पूरा रोटेट होके आएगा और जो बल्ब है वो जलेगा। तो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है स्विच S4। यहाँ पर स्विच दिया गया, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 और ये स्विच 3। ओके, और यहाँ नीचे देखते हैं हमें क्या दिया गया है, ये ओपन सर्किट दिया गया है। ओके, तो ओपन सर्किट मतलब क्या, ये जो वायर है स्विच का है ऑफ है, तो जो ओपन सर्किट है ऐसा खुला हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑफ सर्किट भी बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ पर नीचे क्लोज सर्किट, अगर ये नीचे गिर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मतलब कि जो करंट का फ्लो है सर्किट में वो क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जब ये ऑन रहेगा, मतलब कि ये जो है सर्किट का वायर, यहाँ पे जो स्विच है वो, ये जो स्विच है वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे S- बोलेंगे और ये कौन सा है, 1, 2, 3। ओके, ऐसे आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे क्लोज है तो ये स्विच जो है ये क्या है, ऑन है, ऑन है, तो यहाँ पे इसको स्विच 1, 2, 3 जो भी रहेगा। ओके, यहाँ पे डैश नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर ओपन मतलब ऑफ रहेगा तो यहाँ पे एस के यहाँ पे ऊपर क्या लगेगा, डैश का साइन लगेगा। यहाँ पे हम जो S1, S2, S3 उसको हम किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हमें S1 दिया गया है, ओके, तो हम उसको यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, P से। S2 दिया गया है तो उसे हम Q से, और S3 दिया गया है तो उससे हम R से डिनोट करेंगे। अगर यहाँ पे डैश दिया गया है, ओके, तो यहाँ पे हम S1 लिखेंगे। अगर डैश दिया गया ऊपर इसके, तो क्या कर देंगे हम, यहाँ पे P लिखेंगे एज इट इज़ S1 का। यहाँ पे जो ऊपर है यहाँ पे हम नॉट का साइन लगा देंगे। और यहाँ पे S2 है, यहाँ पे डैश है इस पर, तो एज इट इज़ हम Q लिखेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट का साइन लगा देंगे। और S3 में भी हम क्या करेंगे, R लिख के यहाँ पे नॉट का साइन लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सब याद रखना है, इस स्विच को आपको किससे डिनोट करना है, सिंपल है, आपको यहाँ पे बेसिक जो है याद रखने हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से टाइप के जो सर्किट्स इसमें दिए जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमें दो टाइप के सर्किट दिए गए, पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। ओके, जब ये सर्किट सीरीज में रहेगा, मतलब कि यहाँ पे लाइन बाय लाइन रहेगा, ना ऊपर ना नीचे, आजू बाजू नहीं। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, लाइन में रहेगा, ये क्या है, स्विचेस हैं S1, S2, S3। तो यहाँ पे अगर ये सीरीज़ में रहेगा तो इसे हम कैसे, मतलब जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे हम S1 को क्या बोले थे, Q बोले थे, P बोले थे। ओके, S1 का क्या, हम P लिखेंगे। और ये जो यहाँ पे सीरीज़ में, तो क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे हम एंड यूज़ करेंगे। और ये S2 है, तो S2 को क्या लिखेंगे, Q। और ये यहाँ पे इसके बीच में क्या है, ये एंड हुआ है यहाँ पे सीरीज़ में। ओके, और यहाँ पे S3 है, S3 को क्या, R। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा वो ऐसे रेडी होगा। यहाँ पे क्या हमारा सीरीज है। इसका सेकंड टाइप देखते हैं हम, यहाँ पे पैरेलल। अब पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, एक स्विच ऊपर रहता है, एक स्विच नीचे। ओके, सर्किट में क्या होता है, एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। यहाँ पे हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, S1 क्या हमारा होगा, यहाँ पे S1 हमारा क्या होगा, P होगा। ओके, S1 P, और यहाँ पे ये ऊपर और नीचे क्या है, पैरेलल में, एक ऊपर एक नीचे, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल में।
तो यहाँ पे हम कौन सा साइन जो है यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और का साइन। यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया, एंड। अगर एक लाइन में ओके, यहाँ पे अगर ये ऊपर नीचे तो क्या करेंगे हम, और का साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये एस टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा ओके। तो हम यहाँ पे इसका जो सिम्बॉलिक है इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं, और यहाँ पे जितना मैंने आपको बेस बताया यहाँ पे इम्पोर्टेंट, उस सब आपको पैरेलल, सीरीज, ओपन एंड क्लोज, अदमिनी नॉट पी नॉट क्यू, ये सब जो एस डैश वन है यहाँ पे स्विचेस, आपको ये सब याद रखने हैं, तो हम जो हमारा एक्सरसाइज से हम इजीली कर पाएंगे ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट एंड सिम्बॉलिक फॉर्म। इसे हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस करना है सिम्बॉलिक फॉर्म के ओके। और यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट राइट इट इनपुट आउटपुट टेबल। तो यहाँ पे हमें इसका टेबल बनाना है इनपुट आउटपुट का। तो चलिए पहले हम इसका सिम्बॉलिक फॉर्म करते हैं, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। यहाँ पे सब क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एस वन ऊपर, यहाँ पे एस टू और एस थ्री, ये क्या है सीरीज में, और ये ऊपर नीचे मतलब क्या है, दोनों पैरेलल में ओके। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पैरेलल में तो हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये क्या है सीरीज़ में, तो कौन सा साइन यूज़ करेंगे, एंड का ओके। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिखना है लेट पी ओके, यहाँ पे क्या है स्विच वन है क्या, तो पी लिखेंगे, पी क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर साइन नहीं तो क्या, ये जो है लिखेंगे हम स्विच वन इज क्लोज्ड। यहाँ पे मैंने आपको क्लोज का मतलब क्या बताया था, जो स्विच है वो क्या है ऑन है ओके। यहाँ पे अगर डैश ऊपर रहता है इसके तो क्या रहता, ऑफ रहता। तो यहाँ पे जो क्यू है, यहाँ पे एस वन क्या पी है, तो एस टू क्या हम क्या करेंगे इसके लिए क्यू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्विच एस टू इज क्लोज्ड ओके। यहाँ पे भी क्लोज है और एस थ्री भी क्या है क्लोज है, इसके लिए भी लिखेंगे आर, एस थ्री के लिए आर स्विच एस थ्री इज क्लोज्ड। यहाँ पे इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, हम यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे दिस सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब इसे हम कैसे और तरीके से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसे हम दिखा सकते हैं ओके। हमें यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिम्बॉलिक फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखे दिस सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ओके। तो हम यहाँ पे इसका जो सिम्बॉलिक फॉर्म है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सिम्बॉलिक फॉर्म इसका कैसे देखेंगे, यहाँ पे ऊपर क्या दिया गया है, एक ही है यहाँ पे सीरीज का एस वन, यहाँ पे ऊपर नीचे मतलब है क्या है पैरेलल में, तो क्या एस वन का क्या हमने बताया था पी ओके। और यहाँ पे और, यहाँ पे ऊपर नीचे तो क्या होगा इसका और होगा, यहाँ पे ये दोनों एक ब्रैकेट में आएंगे ओके। यहाँ पे एस टू और एस थ्री, एस टू क्या है हमारा क्यू है, ये दोनों क्या है सीरीज में, तो क्या होगा इनका एंड करेंगे ओके, एंड लिखेंगे यहाँ पे एस थ्री आर ओके। सिंपली हमारा जो फर्स्ट था उसे हमने कंप्लीट किया, और यहाँ पे जो इसी का इनपुट आउटपुट टेबल वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उसमें पिछले एक्सरसाइज में क्या करते थे, ट्रू फॉल्स यूज़ करते थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रू है ओके, ट्रू को क्या कर देंगे हम वन कर देंगे, और जो एफ है उसे क्या कर देंगे ज़ीरो ओके। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है, यहाँ पे इस टेबल को बनाने का इसका बेस है, जैसे हम टू टी लिखते थे यहाँ पे ऐसे ही हम वन वन लिखेंगे ओके। और यहाँ पे हमने इसका सिम्बॉलिक फॉर्म क्या निकाला था ओके, यहाँ पे लिख लेते और उसके थ्रू हम क्या करते हैं जो टेबल है बनाते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले पी लिखते, पी दिया गया है, बाद में क्यू है, बाद में आ रहे, मतलब यहाँ पे जो तीनों वेरिएबल्स है वो दिए गए हैं। और यहाँ पे तीनों दिए तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो पी है वो फोर टाइम लिखेंगे, मतलब क्या जिसका ट्रू है उसका फोर टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे टी के बदले में हम क्या लिखने वाले वन,
तो वन क्या के लिखेंगे हम, फोर टाइम लिखेंगे, वन 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 वन, ओके। उसके बाद ज़ीरो भी फोर टाइम, वन ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो, ओके यहाँ पे ये। और इसके बाद हम क्या क्यू लिखेंगे, अब क्यूब में हम कैसा लिखेंगे, यहाँ पे फोर टाइम था, यहाँ पे भी है फोर टाइम, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, ऐसे ऐसे मतलब टू टू करेंगे। यहाँ पे क्या, जो वन है उसे टू टाइम लिखेंगे, और मैं ज़ीरो है उसे टू टाइम लिखेंगे, वहाँ पे वापस वन टू टाइम, वापस ज़ीरो टू टाइम। इसके बाद हम क्या करेंगे, आर लिखेंगे। तो आर में कैसे लिखेंगे हम, आर में हम यहाँ पे लिखेंगे पहले एक बार वन, एक बार ज़ीरो, एक बार वन, एक बार ज़ीरो, एक बार वन, एक बार ज़ीरो, एक बार वन, एक बार ज़ीरो। तो यहाँ पे इसका बेसिक है, आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग का आपको कैसे क्रिएट करना है ये वेरिएबल्स देख के, ओके स्विचेस का। यहाँ पे हम पहले इसे सॉल्व करते हैं, जो अंदर का ब्रैकेट उसके बाद जो है इसे हम इसके साथ इसका क्या करेंगे, और करेंगे, ओके। यहाँ पे क्यू और एंड इसका, और इसका हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो यहाँ पे जो एंड का रूल वो क्या कहता है, एंड का रूल क्या, अगर एक ट्रू फॉल्स है, ओके यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, अगर उसमें एक भी क्या है फॉल्स रहता है तो क्या होता है, फॉल्स जो रहता है वो आता है आगे, ओके। तो यहाँ पे जो फॉल्स के लिए हमने ज़ीरो लिया, तो यहाँ पे एक भी अगर ज़ीरो रहेगा क्यू आर में तो ज़ीरो आगे आएगा, अदरवाइज दोनों क्या रहने चाहिए, दोनों वन रहने चाहिए, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, दोनों वन है, क्यू आर के दोनों वन है, तो क्या लिखेंगे हम, वन लिखेंगे। यहाँ पे वन ज़ीरो, तो यहाँ पे एक ज़ीरो है तो ज़ीरो, यहाँ पे एक ज़ीरो पहले ही है, यहाँ पे वन है पर यहाँ पे हमें ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो, ओके। यहाँ पे दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो, यहाँ पे एक दोनों वन है क्या है, तो दोनों वन लिखेंगे। यहाँ पे वन, यहाँ पे ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे वन, तो यहाँ पे एक ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला जो बॉक्स है इसको सॉल्व किया। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका जो और है इसके साथ बॉक्स के साथ करेंगे, किसका, पी का, और इस बॉक्स के साथ करेंगे, ओके। तो हम लिखते पूरा पी और क्यू एच आर, ओके। तो यहाँ पे हमने ये किया पी और करेंगे, मतलब ये इसके साथ इसका क्या होगा, और होगा, ओके। तो और में क्या रहता है, अगर एक भी ट्रू रहता है अकॉर्डिंग टू द रूल, एक भी ट्रू रहता है तो ट्रू, मतलब यहाँ पे ट्रू कौन है, वन है, अगर एक भी वन रहेगा दोनों में तो दोनों क्या है वहाँ पे लिखाएगा वन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वन है, यहाँ पे भी वन, तो भी वन रहेगा तो यहाँ पे वन, यहाँ पे एक वन है तो यहाँ पे वन, यहाँ पे ज़ीरो है तो कुछ नहीं, यहाँ पे वन है, यहाँ पे ज़ीरो, एक भी वन है, यहाँ पे वन, यहाँ पे एक भी वन है क्या, हाँ है, यहाँ पे ज़ीरो है तो भी एक लिखाएगा, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो तो यहाँ पे ज़ीरो, और यहाँ लास्ट में भी क्या है, ज़ीरो है दोनों तो ज़ीरो, ओके। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन था इतना ही है, ओके। यहाँ पे जो इसका इनपुट आउटपुट टेबल था हमने किया, चलिए नेक्स्ट सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड सब क्वेश्चन, यहाँ पे एस वन डैश एस टू, यहाँ पे क्या है सीरीज में, और यहाँ पे एस वन और एस टू डैश ये क्या है, दोनों पैरेलल है, ओके। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे इसका क्या, हम पहले जो है सिंबॉलिक फॉर्म में करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले इसका पी लिखते हैं, पी क्या है, स्विच, स्विच एस वन क्या है, एस वन, एस वन क्या है, इज़ क्लोज्ड, ओके। तो यहाँ पे आप सोचोगे ये जो नॉट वाला उसको भी लिखना है, यहाँ पे वो नहीं लिखना है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक इसका लिख दिया, ओके यहाँ पे वो आपको नहीं लिखना है, स्विच। इसके बाद क्यू का, क्यू क्या है, एस टू है, तो एस टू, एस टू इज़ क्लोज्ड, ओके। तो यहाँ पे एस टू क्या हो जाएगा, अगर नॉट का रहेगा तो नॉट क्लोज, ओके यहाँ पे वो नहीं लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्किट, ओके, दिस सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जैसा कि हमने पिछली बार लिखा था, एक्सप्रेस्ड एज, ओके।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे एस वन डैश है, यहाँ पे नॉट मतलब और निगेशन है। ओके, यहाँ पे हम इसके लिए दो बॉक्स बनाते हैं, इसके लिए दो बॉक्स। ओके, यहाँ पे इसका ये दोनों बॉक्स और इसके लिए यहाँ पे ये। ओके, यहाँ पे हमने ब्रैकेट कर लिया, यहाँ पे एस वन निगेशन है मतलब क्या, ये पी है। ओके, तो यहाँ पे पी पी क्या कर देंगे हम, निगेशन में कर देंगे पी निगेशन। और ये क्या करता है, सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में क्या होता है इनका, याद कीजिए सीरीज़ में क्या होता है, एंड होता है। ओके, यहाँ पे सीरीज़ में इसका क्या होता है, एंड, तो क्या एंड। और यहाँ पे एस टी एस टू, यहाँ पे ऊपर डैश रहता तो निगेशन क्यों लिखते, यहाँ पे डैश नहीं तो क्या क्यू। ओके, और यहाँ पे नीचे देखते हैं, यहाँ पे एस वन है तो एस वन क्या है, पी है। और एस टू डैश तो मतलब क्या, निगेशन क्यू। ओके, और यहाँ पे ये भी सीरीज़ में है तो क्या लिखेंगे हम, एंड लिखेंगे। और यहाँ पे हमें कौन सा साइन बीच में लिखना है, ओके देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ऊपर नीचे मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल में। और पैरेलल जब रहता है तब हम वहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करते हैं, ऊपर नीचे रहता है तो हम क्या करते हैं, यूज़ और का यूज़ करते। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो किया। अब इसका हम टेबल देखते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल। ओके, तो यहाँ पे हम पहले जो वेरिएबल देखेंगे, यहाँ पे पी क्यू है यहाँ पे, बट जो आर है वो नहीं है। ओके, यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे इन दोनों का भी निगेशन होता है, यहाँ पे पी क्यू लिखते पहले पी क्यू, फिर दोनों का निगेशन, तो निगेशन लिखते नॉट वाला, नॉट पी एंड नॉट क्यू। ओके, हम पी में लिखेंगे वन वन ज़ीरो ज़ीरो और क्यू में वन ज़ीरो वन ज़ीरो। ओके, यहाँ पे इसका आर नहीं रहेगा तो इसका फोर का फॉर्मेट रहेगा, और जब आर आएगा तो वहाँ पे उसका एट का फॉर्मेट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसे पी का नॉट करेंगे, वन का नॉट करेंगे ज़ीरो, यहाँ पे वन का नॉट करेंगे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो का नॉट करेंगे वन, यहाँ पे ज़ीरो का नॉट करेंगे वन, और यहाँ पे क्यू का हम नॉट करेंगे तो वन का नॉट करेंगे ज़ीरो, यहाँ पे वन का ज़ीरो का नॉट करेंगे वन, वन का नॉट करेंगे तो ज़ीरो, ज़ीरो का नॉट करेंगे वन, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ए ब्रैकेट लेंगे, कौन सा, फर्स्ट वाला, उसके बाद ये ब्रैकेट, उसके बाद हम क्या करेंगे दोनों का और करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट नॉट पी एंड क्यू, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सेकंड ब्रैकेट लेंगे पी एंड निगेशन नॉट क्यू। ओके, इसके बाद हम पूरा लेंगे ब्रैकेट, फुल क्वेश्चन हो गए, निगेशन पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू, सिंपल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नॉट पी और एंड क्यू है इसका क्या करेंगे, एंड करेंगे किसका, नॉट पी और नॉट क्यू, सॉरी क्यू का ओनली। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका, इन दोनों का एंड करेंगे। तो एंड का रूल क्या बोलता है, अगर एक भी ट्रू फॉल्स में क्या होता है एफ रहता तो क्या होता है, एफ आता है। तो यहाँ पे क्या है, जो वन है, जो ट्रू है टी है वो क्या है, वन है। ओके, और जो एफ है वो क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ पे जो एफ मतलब एक भी ज़ीरो रहेगा तो क्या होगा, ज़ीरो आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखते हैं कौन, अगर एक में भी ज़ीरो है तो ज़ीरो लिखेंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे ज़ीरो है ज़ीरो, यहाँ पे दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो, यहाँ पे दोनों वन है तो वन, यहाँ पे एक ज़ीरो है तो भी ज़ीरो। ओके, यहाँ पे हम वापस से इस बार पी और निगेशन नॉट क्यू। ओके, ये दोनों को क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो यहाँ पे वापस से एंड के रोल के हिसाब से ज़ीरो एक भी रहेगा तो ज़ीरो। ओके, यहाँ पे एक ज़ीरो है ज़ीरो। ओके, और यहाँ पे एक वन है, ए भी वन है तो ये यहाँ पे वन, यहाँ पे दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो वन है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा।
ओके अब बाद में इसका हम क्या करेंगे, इन दोनों का और करेंगे अकॉर्डिंग टू द और रूल। अगर वहाँ पे एक भी क्या है वन है तो आगे वन आएगा। ओके यहाँ पे दोनों जीरो है तो ज़ीरो, यहाँ पे एक भी वन है क्या, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे वन, यहाँ पे एक भी वन है, यहाँ पे है, यहाँ पे वन। ओके यहाँ पे दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो टेबल था इसे हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे मैं आगे आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ यहाँ तक आपको कैसे आना है, बाकी का टेबल आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको मैंने जो टेबल बताया, अगर यहाँ पे दो ही वेरिएबल, यहाँ पे अगर एस थ्री नहीं है, ओके एस थ्री या नॉट नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे फोर फोर का स्टेप यूज़ करेंगे। अदरवाइज जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, अगर आर था वहाँ पे तो क्या किया था हमने, एट किया था, यहाँ पे हमने फोर ही किया है। यहाँ पे वन वन ज़ीरो ज़ीरो, अगर वहाँ पे अगर थ्री रहता मतलब पी क्यू आर रहता, तो यहाँ पे हमने एक दो बार चार बार क्या करते वहाँ पे वन लेते और चार बार क्या करते ज़ीरो लेते। ओके तो यहाँ पे हमने दो, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दो ही है, यहाँ पे अगर आर रहता तो हम वैसा कर दे। चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते थर्ड। यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन थ्री में दिया गया है एस वन एस टू डैश एस थ्री डैश एस टू डैश एंड एस थ्री डैश। ओके यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, लेट पी करेंगे पी। ओके और यहाँ पे एस वन है और क्या एस टू भी है और एस थ्री भी है। ओके यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू करेंगे, यहाँ पे आर। ओके यहाँ पे इन तीनों का क्या लिखेंगे, स्विच पी के लिए क्या था एस वन। ओके और यहाँ पे इस क्या करेंगे हम, एस वन इज क्लोज्ड। ओके यहाँ पे हम तीनों में आगे का जो है ऐसा ही लिखेंगे, यहाँ पे बस एस टू रहेगा, यहाँ पे एस थ्री। ओके तो क्या यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका स्विच स्विच। ओके बाकी सब यहाँ पे क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। और यहाँ पर जो आपको नॉट के लिए क्या करना है, नहीं लिखना है, यहाँ पे वो एज इट इज दैट ऑब्जर्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या ऊपर डैश रहेगा तो नॉट। ओके यहाँ पे बट आपको वो नहीं लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे दिस सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड। ओके जैसा हर बार लिखते हैं वापस से ऐसा लगे दिस सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड। ओके यहाँ पे जो मेन है आइडेंटिटी वो हमें करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है एस वन। ओके ऊपर क्या दिख रहा है एस वन, तो एस वन लिख लेते हैं पहले। एस वन को क्या लिखते हैं हम, पी लिखते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे एस वन क्या कर रहा है, यहाँ पे ए दोनों जो है क्या कर रहे हैं और में, मतलब क्या यहाँ पे दोनों पैरेलल है। ओके यहाँ पे क्या है दोनों पैरेलल है, बट यहाँ पे एस वन क्या कर रहा है इनके साथ एक ही लाइन में जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है सीरीज का काम कर रहा है। अगर यहाँ पे ये इसके साथ सीरीज कर रहा है, ओके यहाँ पे क्या कर रहा है इसको सीरीज में आ रहा है, ये इसको एक में ले रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कौन सा साइन लगा देंगे, हम यहाँ पे एंड का साइन लगा देंगे। ओके तो यहाँ पे ये दोनों के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे एस टू क्या है हमारा क्यू है। ओके तो एस टू क्या यहाँ पे नॉट है, तो क्या कर देंगे हम निगेशन क्यू। ओके यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, क्या है दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या लगा कौन सा साइन लगाते हैं, और का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या एस यहाँ पे निगेशन क्यू और ओके एस थ्री डैश एस थ्री क्या मतलब निगेशन आर नॉट आर। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये ब्रैकेट जो है कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हम इसके बाद जो नेक्स्ट में यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे देखते हैं, और मानिए यहाँ पे एक लाइन है, मतलब कि यहाँ से ओके यहाँ पे जो सर्किट है यहाँ पे ऊपर नीचे, मतलब यहाँ पे ऐसा यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे एस वन है यहाँ पे एस टू है। ओके तो एस वन एस टू है, तो ये दोनों का हम क्या करेंगे पैरेलल है, तो क्या करेंगे हम इसका और करेंगे। ओके तो वैसे हम यहाँ पे भी इसका क्या करेंगे और करेंगे, तो और के लिए साइन है। ओके यहाँ पे हमने क्या किया इसका और किया, बाद में ये क्या करेंगे हम ये लिख देंगे। यहाँ पे क्या है एस टू निगेशन, मतलब क्या है क्यू निगेशन में नॉट क्यू है। ओके इसके बाद क्या एस थ्री निगेशन है, तो यहाँ पे एस थ्री निगेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है सीरीज में,
तो सीरीज़ के लिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, सीरीज़ में रहता है तो यहाँ पे एंड का साइन आएगा। ओके, इसके बाद एस थ्री डैश है, मतलब क्या, यहाँ पे निगेशन, थ्री मतलब आर है। ओके, यहाँ पे आर हो जाएगा। ओके, तो सिंपली हमने क्या देखा है, इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सिंपली आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, सर्किट को सिंपली आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे उसको पी क्यू आर के फॉर्म में। उसके बाद क्या करना है, दैस सर्किट कैन बी एक्सप्रेस डैस, यहाँ पे इसका क्या करना है, सिम्बॉलिक फॉर्म लिखना है। तो हमने क्या किया, पहले क्या किया, यहाँ पे एस वन था, हम एस वन अकॉर्डिंग टू द थियोरी, एस वन अगर एक लाइन में तो इसके साथ ही क्या करेगा, एंड करेगा। बट यहाँ पे ये दो है तो ये दोनों का अलग ब्रैकेट बनेगा, जिससे कि यहाँ पे बना, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके साथ एंड कर रहा है क्योंकि ये सीरीज़ में। ओके, तो यहाँ पे इसका एंड किया, यहाँ पे दोनों पैरेलल है, मतलब पैरेलल के लिए क्या होता है, और होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने निगेशन था, निगेशन टू एस टू था, तो स्विच किया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, निगेशन नॉट यहाँ पे क्यू। ओके, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, और हो जाएगा क्योंकि वो पैरेलल में, और यहाँ पे एस थ्री निगेशन तो यहाँ पे निगेशन आर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ऊपर नीचे मतलब पैरेलल है दोनों, तो पैरेलल के लिए कौन सा साइन रहता है, और रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम और का साइन लगाएंगे। इसके बाद इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट बनाएंगे इन दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, जो सीरीज़ में, सीरीज़ में मतलब क्या होता है, वहाँ पे एंड का यूज़ होता है। ओके, वहाँ पे हम एंड का साइन लगाएंगे और क्या करेंगे, एस टू डैश क्या है, निगेशन क्यू है, मतलब नॉट क्यू है। यहाँ पे एस थ्री डैश क्या है, निगेशन आर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन किया। चलिए नेक्स्ट देखते, और यहाँ पे इसका जो इनपुट आउटपुट टेबल है आपको इसके बेसिस पे बनाना है। ओके, सब क्वेश्चन फोर देखते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, पैरेलल में एस वन एस टू दिया गया है, और यहाँ पे हमें सीरीज में इसका क्या दिया गया है, एस टू। ओके, यहाँ पे क्या पैरेलल में क्या दिया गया, एस थ्री एंड एस वन डैश। ओके, तो यहाँ पे आपको जो सिंपली आपको क्या करना है, लेट करना है, लेट यहाँ पे एस थ्री किया तो हम क्या करेंगे, आर का भी लिखेंगे। ओके, पी स्विच, ओके स्विच एस वन इज क्लोज्ड। ओके ओके, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे इसके बाद क्यू का क्या लिखेंगे हम, सेम स्विच, यहाँ पे एस टू को क्या कर देंगे, एस वन का एस टू कर देंगे, एस क्लोज। यहाँ पे आर, यहाँ पे एस थ्री है ना, तो हम आर का लिखेंगे स्विच, एस थ्री क्लोज। ओके, तो यहाँ पे हम बाद में लिखेंगे, दिस सर्किट कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज दिस सर्किट कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। ओके, ऐसा हर बार लिखते हो ऐसा लिखेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे हम, इसका क्या कर देंगे हम, सिम्बॉलिक फॉर्म लिख देंगे। ओके, यहाँ पे क्या देखते हैं, एस वन एस टू क्या है, पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पैरेलल है तो क्या कौन सा साइन आता है दोनों के बीच में, और का, तो लिखते पी यहाँ पे और का साइन। ओके, एस वन क्या है, पी है, एस टू क्या है, क्यू है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक ब्रैकेट कंप्लीट किया। उसके बाद क्या है, ये सीरीज़ में, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, ओके, वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन अलग अलग यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स। ओके, तो क्या है, सीरीज़ में। ओके, तो यहाँ पे क्या, हम अगर ये सीरीज़ में तो कौन सा साइन रहेगा, यहाँ पे एंड का साइन। ओके, यहाँ पे साइंस आपको याद रखने, और क्या एस टू है तो क्या, एस टू है तो क्यू। ओके, क्यू वहाँ पे वापस से याद भाई, एक दूसरे को जॉइन कर रहे हैं ना यहाँ पे, इससे दो दो जॉइंड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए वापस से एंड का साइन। ओके, यहाँ पे एस थ्री, यहाँ पे एस वन डैश, यहाँ पे एस थ्री के लिए हम क्या लिखेंगे, एस थ्री के लिए लिखेंगे हम आर। ओके, और यहाँ पे एस वन डैश है तो क्या, यहाँ पे एस वन के लिए पी है तो क्या करेंगे हम, इसका निगेशन पी कर देंगे, सिंपल। और यहाँ पे क्या है, दोनों जो है पैरेलल है, और पैरेलल में कौन सा साइन आता है, और का, यहाँ पे और का साइन। तो यहाँ पे जो हमारा इसका सिंबल था ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपको इसके आगे का करना है बस, यहाँ पे आपको क्या बनाना है आगे, इनपुट आउटपुट टेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सब क्वेश्चन फाइव देखते हैं। यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन फाइव में सिंपली सर्किट दिया है सब क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे इसका लाइट है ओके। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे एस वन है, एस वन डैश, एस टू डैश, एस वन। सिंपली आप यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट लेट करके यहाँ पे पी क्यू ओके। यहाँ पे एस थ्री दिया गया है क्या कहीं पर, नहीं। तो हम क्या करेंगे, बस पी क्यू का स्विचिंग करेंगे ओके। यहाँ पे लिखेंगे लेट, सिंपल यहाँ पे लेट, यहाँ पे इसको पी का लिखेंगे, यहाँ पे क्यू का तो लिखते हैं पी का, स्विच क्या लिखेंगे, एस वन, पी क्या है, एस वन है, तो एस वन इज क्लोज्ड ओके। यहाँ पे स्विच एस टू, क्यू क्या है, एस टू है, इस क्लोज्ड ओके सिंपल। और यहाँ पे हमारा जो मेन लिखते हैं दिस सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज या ओके, यहाँ पे क्या लेंगे एज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका जैसे हर बार हम क्या करते हैं सिम्बॉलिक फॉर्म में करते हैं, वैसे वापस से हम क्या लिखते हैं, कौन से फॉर्म में, इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में ओके। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, पहला ये जो है क्या है, ये एस वन, तो एस वन क्या रहता है, पी रहता है, एस वन क्या रहता है, पी रहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ओके। यहाँ पे एस वन का क्या किया हमने, पी लिख दिया। अभी क्या, यहाँ पे जो दोनों यहाँ पे नीचे है तो इसके साथ इसका दोनों क्या है, पैरेलल है ओके। तो पैरेलल के लिए कौन सा साइन रहता है, पैरेलल के लिए कौन सा साइन रहता है, पैरेलल के लिए और रहता है ओके। यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है सीरीज में, तो यहाँ पे दोनों लिख देते हैं क्या, एस वन डैश है। तो यहाँ पे एस वन डैश के लिए क्या हो जाएगा, निगेशन पी नॉट पी हो जाएगा। और यहाँ पे एस टू डैश है तो एस टू डैश के लिए निगेशन क्यू हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे सीरीज में ओके, यहाँ पे क्या है, दोनों सीरीज में। तो सीरीज़ के लिए हम क्या लिखते हैं, सीरीज़ के लिए लिखते हैं हम एंड ओके। दोनों एक लाइन में तो क्या करते हैं हम इसका एंड करते। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इसके नीचे और दिया गया है, यहाँ पे क्या है, ये दोनों यहाँ पे तो पैरेलल ही हुए ना ओके। यहाँ पे क्या है, दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसके बीच में कौन सा साइन आएगा, और का आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, और का साइन लगा दिया। इसके बाद क्या है, एस वन और एस टू, तो यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू ओके। यहाँ पे दोनों सीरीज में कौन सा साइन, एंड का, सिंपल। यहाँ पे हमने इसका क्या किया, सॉल्यूशन किया। तो हमने क्या लिखा, पहले इसका पी क्यू फॉर्म में लिखा, यहाँ पे लिखा दिस सर्किट कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस डैस। बाद में इसका क्या किया हमने, सिंबॉलिक फॉर्म लिखा। यहाँ पे हमने क्या देखा था, पहले पी, पी क्या ऊपर है, उसके नीचे क्या है, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, तब एक लाइन में नहीं है, पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने एस वन डैश किया ओके, एस वन डैश है निगेशन पी। यहाँ पे एस टू डैश, बाद में ये दोनों एक में तो क्या करेंगे, एंड करेंगे। इसके नीचे और एक है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों पैरेलल है, तो क्या हम लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लिख देंगे और ओके, और का साइन। यहाँ पे पी दें एंड क्यू, पी एंड क्यू कैसे है, दोनों सीरीज में, एस टू एस वन, एस टू एस वन, एस टू ओके सिंपल। चलिए लास्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन का सब क्वेश्चन सिक्स। हमें यहाँ पे सब क्वेश्चन सिक्स में ऐसा कुछ सर्किट का जो स्ट्रक्चर है दिखेगा ओके। यहाँ पे हमें क्या दिया गया, दोनों पैरेलल में एस वन एस टू, यहाँ पे पैरेलल में क्या दिया गया, एस टू एस थ्री, यहाँ पे एस थ्री, यहाँ पे एस वन ओके। यहाँ पे एस थ्री है तो क्या है, एस वन भी, एस टू भी, एस थ्री भी, तो दोनों के लिए क्या करेंगे हम, लेट में पी क्यू आर ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे ओके, लेट पी ओके, स्विच क्या लिखेंगे, पी का एस वन इज क्लोज्ड ओके। यहाँ पे क्यू का स्विच एस टू इज क्लोज्ड, यहाँ पे आर का स्विच एस थ्री इज क्लोज्ड ओके। तो यहाँ पे हम इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखेंगे दिस सर्किट कैन बी एल ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज ओके, जैसा हम हर बार लिखते ओके। यहाँ पे क्या किया हमने, जैसा कि कैन बी एक्सप्रेस्ड है, यहाँ पे पहले पी क्यू, यहाँ पे बाद में इसके क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म जैसा हर बार करते ओके।
तो यहाँ पे अब हम सर्किट में देखते हैं, यहाँ पे S1 S2 मतलब PQ, ओके। यहाँ पे इसका ये बॉक्स हो गया, यहाँ पे इसके बाद S2 है और S3 है, मतलब क्या QR, यहाँ पे Q इसके बाद R, ओके। इसके बाद क्या दिया गया यहाँ पे S3 S1 S3 क्या है R S1 P, ओके सिंपल। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पे कौन सा साइन कहाँ पे लगेगा, ओके। यहाँ पे PQ, यहाँ पे PQ जो है यहाँ पे क्या है, दोनों दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में कौन सा साइन लगता है, और लगता है तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लगा देंगे और, ओके यहाँ पे QR, ओके। यहाँ पे मैं बता दूँ ये जो तीनों है ये तीनों क्या है एक ही लाइन में गए हैं, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रहता है, ओके। तो यहाँ पे ये सर्किट जो रहेगा तो इसके बीच में कौन सा साइन रहता है, एंड का आता है, सिंपल हमने पीछे भी देखा था, ओके। तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगा देंगे, एंड का लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक ही साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एंड का। और जैसे यहाँ पे हमने ये किया वैसे यहाँ पे दोनों भी पैरेलल, तो कौन सा हो जाएगा और हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या है इससे जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या है S3 S1 जो है पैरेलल में, तो क्या कौन सा साइन हो जाएगा और हो जाएगा, ओके यहाँ पे एंड। यहाँ पे सिंपल हमने इसका सॉल्यूशन किया, हमने क्या किया पहले से PQR में किया, लिखा स्विच S1 स्विच S2 स्विच S3 आर क्लोज, ओके। बाद में दिस सर्किट कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस है, बाद में हमने इसका क्या किया इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, हमने क्या देखा पहले यहाँ पे हमने S1 S2 लिखा, ओके S1 S2 बाद में QR बाद में इसका S3 S1 ओके RP। तो इसके बाद में हमने क्या किया इसका जो साइंस है वो पुट किया यहाँ पे ऑलवेज, यहाँ पे क्या है S1 S2 है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे क्या पैरेलल, तो हमने कौन सा साइन किया और किया, यहाँ पे इसके बाद ये दोनों है जुड़े हुए, तो यहाँ पे जब दोनों साथ में रहते तो कौन सा साइन आता है, एंड का आता है, ओके। तो यहाँ पे हमने जो इसका सिंपली क्या देखा सॉल्यूशन, यहाँ पे S2 S3 यहाँ पे Q यहाँ पे R, ये दो पैरेलल है तो यहाँ पे और यहाँ पे भी है पैरेलल, तो यहाँ पे भी और लिखा हमने, यहाँ पे दोनों साथ में जुड़े तो एंड, ओके। तो यहाँ पे हमने इसका सिंपली क्या है सॉल्यूशन देखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल ऑफ द फॉलोइंग, ओके। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो सर्किट है उसको देख के हम क्या कर रहे थे, स्विचिंग टेबल सर्किट को देख के क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे इसे फॉर्म कर रहे थे सिंबॉलिक फॉर्म इसका, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा कंस्ट्रक्ट, मतलब हमको क्या करना है अभी बनाना पड़ेगा स्विचिंग टेबल क्या करके इसको सिंबॉलिक फॉर्म को देख के, ओके। तो चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया निगेशन P यहाँ पे एंड और Q, ओके। यहाँ पे और का साइन यहाँ पे P एंड निगेशन R, ओके। तो यहाँ पे हम इसे फॉर्म कैसे करेंगे, जैसे हमें स्विचिंग टेबल बना बना मिल रहा था वैसे ही कुछ हम इसे फॉर्म करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको सिंपल है, बस ध्यान देना है यहाँ पे आपको इस साइंस को याद रखने, बाकी कुछ नहीं, आपको यहाँ पे आपका सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको हर बार की तरह जैसे लिखते थे लिखना है लेट पी, ओके लेट पी स्विच क्या है WICH, ओके। यहाँ पे स्विचेस क्या ए, यहाँ पे स्विचेस कौन सा पी जो है वो क्या है S1 है ना, तो S1 स्विच इस यहाँ पे S1, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड, यहाँ पे हम देखेंगे R भी है, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हम R का भी लिखेंगे, ओके। यहाँ पे वो S3 होगा, यहाँ पे Q स्विच इस क्या है क्यू है, तो कौन सा स्विच है S2, ओके। यहाँ पे R स्विच स्विच इस कौन सा स्विच है R है तो S3, ओके। यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है, यहाँ पे आपको एडअप करना है क्या इसके बाद क्लोज्ड एडअप करना है जैसे हम सब में करते थे,
ओके क्लोज्ड सिंपल। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसका, क्या करेंगे हम जो कंस्ट्रक्ट में स्विचिंग टेबल बनाएंगे। ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे स्विचिंग टेबल बनाएंगे। चलिए हम नीचे बना लेते हैं स्विचिंग टेबल हमारा जो है वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया निगेशन पी, यहाँ पे एंड, यहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो क्या रहेगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा निगेशन पी हो जाएगा। ओके नॉट पी हो जाएगा, पी क्या ने नॉट पी क्या एस वन डैश। ओके और यहाँ पे क्या है एंड है, एंड में क्या होता है ये क्या होता है सीरीज होती है एक ही लाइन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा क्यू मतलब एस टू हो जाएगा। ओके तो इसके बाद हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे और का साइन दिया मतलब ये क्या है, इसके बाद हम और में बनाएंगे यहाँ, तो और में यहाँ पे दो दिया गया। ओके यहाँ पे पी और निगेशन आर दिया गया, यहाँ पे हम पी का क्या करेंगे, पी हमारा क्या है एस वन है, तो यहाँ पे पी एस वन। ओके यहाँ पे क्या एंड है इसका एंड है, तो एंड में क्या इसका हम सीरीज करेंगे एंड में। ओके तो ये क्या निगेशन आर है, तो निगेशन आर का क्या हो जाएगा एस थ्री हो जाएगा, एस थ्री निगेशन है तो डैश सिंपल। तो यहाँ पे आपको इसका जो बैटरी है सेल यहाँ पे वो ऐड करना है और लाइट दिखाना है, यहाँ पे हम कर देते हैं सिंपल, आपको क्या करना है ऐसे बनाना है। ओके यहाँ पे हमने जैसा अभी किया है आपको नोटबुक में भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, यहाँ से करंट जाता है। ओके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे भी पैरेलल है तो कौन से में भी जा सकता है। यहाँ पे हमने उसको पैरेलल क्यों किया, यहाँ पे हमें और क्या बोलता है इसे पैरेलल। ओके यहाँ पे मैं आपको वापस से समझा देता हूँ हमने इसे कैसे किया है। यहाँ पे निगेशन पी है, ओके यहाँ पे निगेशन पी है, निगेशन पी का क्या कर दिया हमने डैश कर दिया एस वन डैश कर दिया, यहाँ पे एंड है तो एंड सीरीज है। ओके यहाँ पे एस टू क्यू, ओके यहाँ पे पी का एस वन, यहाँ पे क्या इसका एंड है और निगेशन आर एस थ्री डैश। ओके यहाँ पे हमने क्या और किया इसका पैरेलल है। तो चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर टू का। यहाँ पे सब क्वेश्चन टू में क्वेश्चन नंबर टू का दिया गया है पी एंड क्यू। ओके यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट में निगेशन पी एंड यहाँ पे वापस से ब्रैकेट में निगेशन क्यू और यहाँ पे ब्रैकेट में पी और क्यू। ओके यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए एंड क्या होता है सीरीज में आता है और जो और रहता है वो क्या पैरेलल क्रिएट करता है। यहाँ पे चलिए आपको लिखना है लेट पी है और यहाँ पे आर भी है तो क्या पी क्यू आर लेंगे तीनों लेंगे। ओके लेट पी क्या लिखेंगे स्विच एस वन इज क्लोज्ड। ओके यहाँ पे क्यू स्विच एस टू इज क्लोज्ड, आर में स्विच एस थ्री इज क्लोज्ड। ओके यहाँ पे आपको ऐसा लेना जैसा हर बार लिखते हैं। यहाँ पे आपको इसके बाद सिंपली क्या करना है कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे क्या है देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया पी एंड क्यू, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पी यहाँ पे एंड सीरीज में यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसका बना दिया। ओके यहाँ पे पी एंड क्यू कर दिया मतलब एस वन एस टू। ओके और इसके बाद हमें दिया गया और क्या मतलब क्या होगा इसके नीचे आएगा, तो और में क्या लिखा है हमको निगेशन पी मतलब नॉट पी दिया गया और नॉट पी के बाद क्या किया है एंड किया है। ओके एंड मतलब यहाँ पे इसके साथ ये जो है वो आएगा, यहाँ पे और दिया वापस से मतलब ये क्या है इसके नीचे आएगा। ओके तो देखते हैं यहाँ पे कैसा होगा आगे, यहाँ पे निगेशन पी क्या क्या है और क्या है, यहाँ पे ये और है तो नीचे लिखते हैं हम निगेशन पी का क्या है एस वन डैश हो जाएगा। ओके तो हम लिखेंगे यहाँ एस वन डैश सिंपल, यहाँ पे क्या हो गया इसका एस वन डैश। और इसके बाद
यहाँ पे क्या है, ए एंड है, तो एंड में क्या करेंगे हमको ये बनाना है, ओके, और उसके नीचे ये बनाना है। तो हम कुछ यहाँ पे जो ऐसा क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एंड में क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा इसके साथ। यहाँ पे क्या निगेशन क्यूब है, तो निगेशन क्यूब कौन सा रहता है, एस टू डैश हो जाएगा यहाँ पे। इसे हम ऐसा बनाएंगे एस टू डैश, ओके, और यहाँ पे क्या है एंड का और का साइन है, तो और का साइन मतलब इसके नीचे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में जाएगा और इसमें क्या बनेगा, पी एंड और क्यू बनेगा, ओके। यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, पी बना देते हैं एस वन, ओके। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पी बना दिया। यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर बनाते हैं, ओके। तो आर हम यहाँ पे ऐसा बनाएंगे, ये क्या करेगा इसको, और मतलब पैरेलल में रहेगा ये भी, ओके। यहाँ पे दोनों को क्या करते हैं जॉइन, यहाँ पे आ गया है एस थ्री है, ओके। अब हम क्या करते हैं इसको सिंपली जॉइन कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे, ओके, यहाँ पे ऐसे, इसका क्या हम स्विच मतलब सॉरी यहाँ पे क्या इसका जो प्लग रहेगा, ओके। यहाँ से क्या होगा, जो करंट है वो पास होगा यहाँ से, बाकी सब यहाँ से इसमें से जाएगा, ओके। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या अभी यहाँ पे क्या रहेगा लाइट, और यहाँ पे जो हमारा स्विच है वो स्विच बोर्ड रेडी हो गया, ओके। तो हमने यहाँ पे कैसे कैसे क्या देगा वापस से देख लेते हैं, हमने क्या क्या इसमें किया है। यहाँ पे पी एंड क्यू है, यहाँ पे पी एंड क्यू यहाँ पे सीरीज़ में रहेगा, यहाँ पे एंड है इसलिए, और इसके बाद क्या करेंगे हम और है, तो यहाँ और के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन लिया, यहाँ पे निगेशन पी, यहाँ पे क्या है वापस से एंड, एंड मतलब इसके साथ रहेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एस वन डैश किया इसका निगेशन पी का। इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे जो एंड है जैसे हमने क्या साथ में रखा, और इसके बाद हमने क्या किया निगेशन क्यू का यहाँ पे एस डैश टू किया, ओके। और इसके बाद यहाँ पे ये इसके साथ और में, ओके, यहाँ पे इसके साथ और में, तो यहाँ पे ये एस वन पी, और यहाँ पे क्या है और वापस से, तो यहाँ पे इसके नीचे पैरेलल, मतलब ये तीनों पैरेलल में यहाँ पे, और यहाँ पे जो आर इसके नीचे, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड था ऐसे रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम चलिए थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू का। यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन थ्री में दिया गया है, यहाँ पे पी एंड आर, ओके, यहाँ पे और, यहाँ पे ब्रैकेट में निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, यहाँ पे एंड, यहाँ पे ब्रैकेट में निगेशन पी एंड निगेशन आर, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जो लेट करते हैं यहाँ पे पी क्यू आर, ओके, यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट क्या करता हूँ, जो स्विच बोर्ड मेन है आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे जो राइटिंग वर्क है आप करिए, ओके। तो यहाँ पे चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे इसका क्या करते हैं, स्विच बोर्ड बना लेते हैं फटाक से। यहाँ पे देखते हैं स्टेप बाई स्टेप कैसे क्रिएट होगा। यहाँ पे हमें पी आर दिया गया, ओके, यहाँ पे इसके बीच में कौन सा साइन है, एंड का है। तो यहाँ पे पी आर के लिए हम बनाते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे किसका बन जाएगा, पी का बन जाएगा एस वन, यहाँ पे आर का एस थ्री, ओके। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका बना लिया। इसके बाद क्या दिया गया, और दिया गया मतलब इसके पैरेलल, ओके। तो नीचे हम बनाएंगे यहाँ पे क्या, निगेशन क्यू मतलब एस टू डैश, ओके, यहाँ पे ये ऐसे, और यहाँ पे इसको एंड है मतलब इसके साथ में सीरीज में क्या होना है, यहाँ पे निगेशन और मतलब एस थ्री डैश, ओके। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, इसके साथ एंड करना है मतलब इसको आगे और कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे इसका एंड करने के लिए यहाँ पे क्या निगेशन पे मतलब एस वन डैश, तो मैं बनाता हूँ इसे एस वन डैश, यहाँ पे एंड है मतलब क्या, एंड है तो यहाँ पे और सीरीज में रहेगा, और क्या एस थ्री मतलब यहाँ पे एस थ्री डैश, ओके।
तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे जो हमारा सर्किट का क्रिएशन था वो कंप्लीट हुआ, जिसे हम सिंपली जॉइन कर लेते हैं अपने स्विच बोर्ड और बल्ब से। ओके, यहाँ पे आपको ऐसा करना है, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे छोटे से, यहाँ पे एल लाइट। ओके, यहाँ पे आपको इससे कनेक्ट करना है, जो करंट है यहाँ से पास होगा, यहाँ से क्या होगा करंट जाएगा और इसके बाद यहाँ से घूम के यहाँ पे लाइट में आएगा, यहाँ से क्या होगा लाइट जो है हमारा ये बल्ब जलने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने सिंपली सब थर्ड क्वेश्चन किया। यहाँ पे हम सब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सब क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर फोर में दिया गया है, पी एंड निगेशन क्यू, यहाँ एंड यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे और का साइन, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में दिया गया पी एंड यहाँ पे छोटे ब्रैकेट निगेशन क्यू और यहाँ निगेशन आर। ओके, यहाँ पे जो हम इसका राइटिंग लेट करके यहाँ पे आपको पी क्यू ओके आर लिख लेना है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या स्विच बोर्ड और कंडक्टर पूरा यहाँ पे रेडी करते हैं। तो ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले ये तीनों जो है बनाना है, यहाँ पे तीनों जो एंड में, यहाँ पे जो तीनों एक सीरीज़ में आएंगे। तो ओके, यहाँ पे हम ये तीन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे एस वन और यहाँ पे निगेशन क्यू है तो एस टू डैश। ओके, और यहाँ पे ये थर्ड क्या हो जाएगा, एस थ्री हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें ध्यान देना जो साइन क्या है एंड मतलब क्या, तीनों सीरीज में आएंगे। ओके, यहाँ पे बाद में और दिया गया, और मतलब इसका पैरेलल, मतलब अभी क्या करना है हमें, इसका पैरेलल करना है। तो पैरेलल में क्या है, यहाँ पे हमें दिया गया पी। ओके, पी तो पी के लिए हम बना लेते हैं यहाँ पे पी एस वन। ओके, इसके बाद हमें क्या दिया गया यहाँ पे एंड मतलब इसके साथ में रहेंगे। तो एंड के लिए क्या, अगर साथ में यहाँ पे बोर्ड है ओके तो हम यहाँ पे इसे बना लेते हैं ऐसा। यहाँ पे क्या है निगेशन क्यू मतलब नॉट क्यू क्या होगा एस टू डैश। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा एस टू डैश सिंपल। और यहाँ पे क्या वापस से जो और का साइन, और मतलब वापस से पैरेलल, अब पैरेलल में क्या इसके नीचे चले जाएगा, मतलब यहाँ पे ये ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ पे जो निगेशन आर है मतलब क्या एस थ्री डैश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसे कवर अप कर लेते हैं, यहाँ पे हम जॉइन कर देते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे इसका बोर्ड लगा देते हैं और लाइट। ओके, यहाँ पे इसका लाइट, यहाँ पे इसका ये स्विच बोर्ड आपको यहाँ पे ऐसे बनाना है सिंपल। तो देख लेते हैं हमने एक बार फिर से इसमें क्या किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पी एंड निगेशन क्यू एंड आर। ओके, यहाँ पे तीनों एंड में, मतलब यहाँ पे एंड में तो क्या होगा ये सीरीज में आएगा। तो अपने हमने क्या किया एस वन पी एस टू डैश निगेशन क्यू एस थ्री यहाँ पे ये आर। ओके, इसके बाद हमने और साइन देगा, और मतलब पैरेलल करना है। अब पैरेलल करना है तो यहाँ पे हमें दिया गया है पी एंड। ओके, तो पी हमने क्या किया यहाँ पे पी एस वन किया, उसके बाद एंड मतलब ये साथ में आएगा इसके, तो हमने क्या किया ये बॉक्स बनाया यहाँ पे, यहाँ पे हमें और दिया है, यहाँ पे हमने इसका और किया, यहाँ पे क्या किया हमने लिखा निगेशन की मतलब एस डैश टू और यहाँ पे निगेशन आर तो एस थ्री डैश। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया बाद में यहाँ पे इसे जॉइंट कर दिया लाइट और बोर्ड को। ओके, चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन फिफ्थ। ओके, यहाँ पे पी और यहाँ पे बॉक्स में निगेशन नॉट पी। ओके, यहाँ पे दिया है एंड और दिया है यहाँ पे निगेशन क्यू और पी एंड क्यू। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लेट जैसे हम पी क्यू लिखते हैं, यहाँ पे आपको बस पी और क्यू का लिखना है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्विच, क्या लिखना है स्विच
पी का एस वन, ओके एस वन इज क्लोज्ड, क्यू का स्विच क्यू एस टू ओके इज क्लोज्ड, सिंपल। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। यहाँ पे हमें पी और में, मतलब पी अकेला यहाँ पे रहेगा ओके, यहाँ पे और मतलब यहाँ पे क्या होगा पैरेलल में, मतलब ये इसके पैरेलल में होगा। तो यहाँ पे ये इसके पैरेलल में, यहाँ पे पी का क्या है एस वन ओके, यहाँ पे इसके पैरेलल में। तो यहाँ पे क्या निगेशन पी, मतलब क्या नोट पी का क्या हो जाएगा एस वन डैश हो जाएगा, एस वन डैश। यहाँ पे और मतलब वापस से ये क्या है इसके पैरेलल में आएगा, ये क्या आएगा पैरेलल, यहाँ पे इसका निगेशन क्यू है, मतलब क्या हो जाएगा एस टू का डैश ओके एस टू डैश। वापस से यहाँ पे क्या है और है, और वापस से क्या होगा है पैरेलल होगा ओके। तो पैरेलल तो यहाँ पे हमने क्या किया एस, यहाँ पे इसका किया यहाँ पे ये एंड में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे साथ में जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एस टू का डैश के बाद ओके, यहाँ पे पी एस वन का एंड विथ क्यू, मतलब एस वन यहाँ पे सीरीज में उसके साथ कौन हो जाएगा यहाँ पे क्यू हो जाएगा। यहाँ पे पी का क्या लिखते हैं एस वन, उसके बाद क्यू का क्या लिखेंगे एस टू, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बॉक्सेस को अब ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे एक प्रॉपर सर्किट रेडी करेंगे ओके। यहाँ पे इसको ऐसे, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं ओके नो इशू। इसके बाद क्या करते हैं यहाँ से हम यहाँ पे इसका बोर्ड, यहाँ पे इसका लाइट और यहाँ पे हमने कर दिया इसको कनेक्ट कर दिया ओके। यहाँ से क्या होगा करंट फ्लो होगा यहाँ पे, बाद में यहाँ पे वापस क्या होगा यहाँ पे जो लाइट है वो ग्लो होगा ओके। तो हमने यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया एक बार वापस से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया पी है एस वन किया इसको, यहाँ पे इसके साथ और है तो यहाँ पे ये नीचे और का आ गया ओके। यहाँ पे क्या हो गया पैरेलल हो गया, यहाँ पे अगर एंड रहता तो ये दोनों क्या सीरीज में साथ में आते। यहाँ पे हमने क्या दिया गया निगेशन पी नॉट पी का क्या हो जाएगा यहाँ पे एस वन डैश ओके। यहाँ पे वापस से और है, मतलब वापस से पैरेलल लाइन होगी यहाँ पे क्या निगेशन क्यू, मतलब एस टू डैश। यहाँ पे क्या है वापस से दिया गया हमें और दिया, यहाँ पे क्या हम करेंगे यहाँ पे दोनों एंड में दिया गया, तो यहाँ पे हम बाद में एस वन यहाँ पे से एंड में सीरीज में हो जाएगा है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा एस टू हो जाएगा ओके क्यू। चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, चलिए यहाँ सब क्वेश्चन सिक्स देखते हैं। यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे पी एंड क्यू, यहाँ पे इसका बाद में हमें और करना है, इसके बाद हमें निगेशन पी लिखना है नॉट पी, उसके बाद हमें क्या करना है उसका भी और करना है, मतलब वहाँ पे उसका भी पैरेलल, उसके बाद ये दोनों साथ में पी एंड हमें सीरीज में करेंगे एंड, उसके बाद क्या करेंगे निगेशन क्यू नॉट क्यू ओके। तो यहाँ पे हम इसका पहले फर्स्ट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे पी है ये क्या हो जाएगा एस वन ओके, यहाँ पे इसका एंड एंड ओके, तो यहाँ पे सीरीज में आएगा तो क्यू भी इसके साथ में हो जाएगा, मतलब क्यू क्या है एस टू ओके। और यहाँ पे इसका क्या करना है इसके बाद यहाँ पे दिया हमें और दिया, मतलब कि यहाँ पे हम नीचे जाएंगे या पैरेलल में इसको बनाएंगे ओके। यहाँ पे हमें क्या पैरेलल दिया गया है पी या निगेशन पी, मतलब क्या हम यहाँ पे सिंगल, इसके बाद यहाँ पे निगेशन वापस से सॉरी यहाँ पे और वापस से, मतलब इसके बाद वापस से हम क्या करेंगे और करेंगे ओके। यहाँ पे हम क्या करें अभी पी का निगेशन एस वन डैश सिंपल, यहाँ पे और वापस से हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें देखने हैं अभी ये दोनों का क्या करना है ओके। यहाँ पे दोनों एंड है, मतलब यहाँ पे इस दोनों साथ में रहेंगे ओके, यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे क्या अभी हम पी का बना देते हैं एस वन और यहाँ पे निगेशन मतलब क्या एस टू डैश क्यू का ओके। यहाँ पे हमने क्या कर दिया एस टू डैश, तो यहाँ पे हम अब हमारा जो
बॉक्स बनाना था यहाँ पे एक सर्किट, वो फिनिश हुआ। यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, अब ऐड अप करते हैं, यहाँ पे साथ में जोड़ देते हैं इसके बाद। ओके यहाँ पे हम क्या है इसका पल, मतलब यहाँ बोर्ड, यहाँ पे इसका बोर्ड लगाते थे, यहाँ पे लाइट ये थोड़ा बड़ा रखना है, यहाँ पे ये भी बड़ा रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पे ऐड अप। ओके सिंपल। तो हमने इसे कैसा किया एक बार देख लेते हैं वापस से। उसके पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, पी क्यू लिखना है। ओके लेट करके पी और क्यू लिखना है सिंपल। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमने क्या किया यहाँ पे, इसमें यहाँ पे हमने क्या किया पी एंड क्यू, यहाँ पे पी एंड क्यू सीरीज़ में लिखा सही। यहाँ पे क्या किया और किया, इसके बाद हमने इसका और किया यहाँ पे क्या, और में निगेशन पी मतलब एस वन डैश। उसके बाद क्या है यहाँ पे और करना वापस से, मतलब वापस से यहाँ पे आपको पैरेलल में करना है। उसके बाद यहाँ पे पी और यहाँ पे एंड यहाँ पे निगेशन क्यू, यहाँ पे पी हमने किया एंड मतलब यहाँ पे क्या है दोनों साथ में यहाँ पे सीरीज में दोनों। ओके यहाँ पे निगेशन क्यू एस टू डैश। ओके सिंपल। चलिए यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। यहाँ पे हमें लिखा है गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग, मतलब हमें यहाँ पे क्या दिखा है, हमें यहाँ पे क्या करना है अल्टरनेटिव मतलब इसी सर्किट की तरह इक्विवेलेंट। ओके इसी सर्किट की तरह सिंपल सर्किट हमें इसे बनाना है क्या फॉलोइंग, मतलब नीचे जो हमें जो क्वेश्चन सभी सब क्वेश्चन दिए गए। ओके तो यहाँ पे जो सर्किट रहेगा वो सर्किट से भी बिल्कुल मैच, मतलब कि यहाँ पे मैच की बात नहीं, यहाँ पे जो जो सप्लाई ऑफ करंट टू द लाइट रहेगा उसका भी सर्किट का सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाइड मतलब इजी वे में सिंपल सर्किट में दिखाना। ओके और दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे। ओके तो यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है पहले लेट पी। ओके तो यहाँ पे हमें पी एस वन दिया तो लिखेंगे स्विच एस वन इज क्लोज्ड। ओके यहाँ पे आपको जो सर्किट वाला क्वेश्चन है उसमें हर एक में आपको ऐसा लिखना है। ओके यहाँ पे क्यू में स्विच एस टू इज क्लोज्ड। ओके यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसका पहले सिंप्लीफाइड करेंगे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे दिस सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड। ओके जैसे हम पहले लिख रहे थे वापस ऐसे लिखेंगे एज। ओके दिस सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे हम यहाँ पे अभी किसका क्या कर रहे हैं सिम्बॉलिक में लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे इसका जो एस वन डैश एस टू यहाँ पे क्या है एस वन है, यहाँ पे क्या पी ये क्या कर रहे हैं उनके साथ एंड, मतलब यहाँ पे एक ही में आ रहा है। ओके यहाँ पे एंड का क्या, यहाँ पे क्या है सीरीज में, तो सीरीज में क्या करता है इसके साथ एंड, यहाँ पे दोनों का अलग। ओके ये दोनों क्या एस वन डैश मतलब क्या निगेशन एस वन है तो पी। ओके निगेशन पी यहाँ पे डैश का निगेशन, यहाँ पे एस टू का यहाँ पे इसके साथ और कर रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल है ना दोनों और यहाँ पे एस टू क्यू। ओके तो यहाँ पे अभी हमने क्या करना है कुछ रूल्स यूज़ करके इसको और क्या करना है सिंप्लीफाइड करना है, सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें जो पी एंड इसका क्या कर देंगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो यहाँ पे हमें कौन सा लॉ यूज़ करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके इसका हम क्या करेंगे इसके साथ एंड करेंगे एक एक करके। ओके तो यहाँ पे पी एंड किसका निगेशन पी। ओके और यहाँ पे इसका पी एंड विथ दिस क्यू पी एंड क्यू और ये जो साइन है यहाँ पे बाहर आएगा यहाँ पे इसका और। ओके तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे अभी आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ याद आएगा, यहाँ पे पी और यहाँ पे निगेशन पी दोनों क्या है ट्रू फॉल्स में, यहाँ पे क्या ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे निगेशन तो इसका क्या हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे एंड में क्या होता है जो फॉल्स रहता है वो क्या नीचे आता है। ओके वो आगे आता है तो यहाँ पे हमने इसका फॉल्स बाद में यहाँ पे साइन यहाँ पे और यहाँ पे इसका ए पी यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉ जो यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्री
वो अचीव लाओ। ओके, और यहाँ पे इसके बाद क्या, इसको एज इट इज़। और यहाँ पे कौन सा लॉ हमने यूज़ किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, सिंपल। तो यहाँ पे अभी और का साइन और क्या करता है, ए ट्रू को हमेशा फॉलो करता है। ओके, यहाँ पे फॉल्स तो ये नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे ये नीचे जाएगा। ओके, ए पी एंड क्यू। ओके, तो ये कौन सा लॉ हमने अभी यूज़ किया, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, सिंपल। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सिंपली सर्किट जो है फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको बनाना भी है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब सिंपलीफाइड सर्किट। ओके, सिंपलीफाइड सर्किट। ओके, यहाँ पे जो क्या है, हमारा जो सर्किट हमें मिला सिंपलीफाइड करके, इसको हम बनाएंगे। यहाँ पे पी एंड क्यू है, तो पी एस वन। ओके, यहाँ पे हमारा सर्किट और क्यू क्या है, एस टू। ओके, यहाँ पे हमारा सर्किट, यहाँ पे सिंपली जो है बन गया। ओके, यहाँ पे हम क्या इसमें अटैच कर देते हैं, यहाँ पे बोर्ड, यहाँ पे ये लैम्प, सिंपल। तो हमने क्या अभी किया, यहाँ पे हमने इसमें जो जो स्टेप किया हमने देखा, तो यहाँ पे हमने इसको किस लिए किया, यहाँ पे हमने इसे सिंपलीफाइड सर्किट, मतलब ये और ये, यहाँ पे जो करंट का फ्लो होगा वो सिंपल होगा। बस हमने इसका क्या किया, सिंपलीफाइड करके इस सर्किट में बनाया वापस से। ओके, तो हमने यहाँ पे कौन कौन से स्टेप किए, पहले हमने क्या किया, इसका पी क्यू जो फॉर्म था उसमें हमने इसको किया। ओके, यहाँ पे स्विच एस वन इज़ क्लोज, यहाँ पे क्यू का स्विच एस टू इज़ क्लोज, ये क्यू स्विच एस टू, पी स्विच एस वन। ओके, यहाँ पे दिस सर्किट कैन बी एक्सप्रेस लिख के हम क्या किया, इसको यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में किया। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, एस वन पी, उसके बाद हमने इसका एंड किया है यहाँ पे, उसके बाद एस वन और एस टू, यहाँ पे एस वन डैश है तो यहाँ पे पी। ओके, नेगेशन पी, यहाँ पे क्या है, पैरेलल है तो और। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, इसका एंड किया ऐसे। ओके, कि सब पी का एंड विद दिस नेगेशन पी, और यहाँ पे पी निगे एंड किया यहाँ पे क्यू। ओके, यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि हमें लिखना है यहाँ पे। इस पर भी हमें क्या है, मार्क्स कैरी है। यहाँ पे हमने देखा कि जो पी एंड निगेशन पी, यहाँ पे दोनों क्या सेम है, यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट लॉ तभी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एंड है तो क्या होगा, फॉल्स नीचे आएगा, अगर यहाँ पे और रहता तो क्या होता, ट्रू नीचे आता। ओके, यहाँ पे एज इट इज़, यहाँ पे ये एज इट इज़। ओके, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लॉ यूज़ करके जो है, यहाँ पे ये और है, अगर यहाँ पे एंड रहता तो क्या होता है, ये एफ नीचे आता। ओके, यहाँ पे और है तो क्या, पी एंड क्यू नीचे आया। ओके, आइडेंटिटी लॉ के थ्रू। यहाँ पे क्या किया, बाद में हमने इसे सिंपलीफाइड सर्किट बना दिया। ओके, चलिए सब क्वेश्चन टू देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री का, क्वेश्चन टू देखते हैं। यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन में, यहाँ पे हमें सर्किट दिया, यहाँ पे एस वन, यहाँ पे इसके साथ एंड है, और यहाँ पे क्या है, पैरेलल में क्या और करता हुआ, यहाँ पे एस टू और एस थ्री, उसके बाद यहाँ पे इसका पैरेलल मतलब और करेगा इसके साथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस वन डैश एस टू डैश एस वन। ओके, यहाँ पे आपको लेट करके लिखना है, पी क्यू आर का यहाँ पे स्विच, स्विच एस वन इज़ क्लोज, यहाँ पे इसका स्विच एस टू इज़ क्लोज, स्विच एस थ्री इज़ क्लोज। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको इसका डायरेक्ट जो सिंपलिक फॉर्म है वो हम यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करते, सिंपल। ओके, चलिए यहाँ पे एस वन है तो एस वन का पी, सिंपल पी, इसका पी, ये क्या कर रहा है, एंड कर रहा है इन दोनों के साथ। ओके, यहाँ पे ये दोनों एस टू एस थ्री, मतलब क्या, पी यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे आर। ओके, यहाँ पे क्या, दोनों और पैरेलल में ना, तो और, यहाँ पे इसका एंड का साइन। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट, सिंपल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोनों है? और कर रहे, मतलब दोनों पैरेलल में, सिंपल। यहाँ पे एस वन एस थ्री डैश ब्रैकेट, यहाँ पे निगेशन में। ओके, यहाँ पे एस थ्री
यहाँ पे H3 क्या है R, ओके। यहाँ पे H2 में क्या आएगा, यहाँ पे एक पहले कौन सा साइन आएगा, एंड का आएगा, ये दोनों क्या है तीनों सीरीज में, यहाँ पे एंड, यहाँ पे H2 डैश, तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे निगेशन क्यू, ओके। और यहाँ पे S1 का क्या लिखेंगे, एंड में H2 का, S1 का क्या लिखेंगे P, सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड सर्किट में बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें इसको पहले सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे हमें क्या किया, पी एंड और इसके साथ क्यू और आर, ओके। यहाँ पे इसके साथ और कर रहा है, यहाँ पे निगेशन आर, यहाँ पे एंड और यहाँ पे निगेशन क्यू। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों जो निगेशन है निगेशन कर लेते बाहर लेते, ओके। तो ये कौन सा लॉ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर निगेशन अंदर या निगेशन हम बाहर लेते तो डी मॉर्गन्स लॉ, ओके। यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे ब्रैकेट को यहाँ तक एज इट इज़ लिखते सिंपल, ओके। यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, निगेशन दोनों साइन बाहर लेंगे तो ये जो साइन है एंड में तो किस में हो जाएगा, और में हो जाएगा, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे आर, यहाँ पे और में सिंपल, यहाँ पे फिर यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, डी मॉर्गन लॉ लिखेंगे, डी मॉर्गन लॉ, ओके, डी मॉर्गन लॉ सिंपल। हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ एंड पी, ओके, और यहाँ पे एंड पी, यहाँ पे दोनों एक ही है सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, साथ में लेके आएंगे, ओके। यहाँ पे हम पहले इसको पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा पी एंड, ओके। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको पहले लिख देंगे पी, यहाँ पे एंड कर रहा है इसके साथ, ओके। यहाँ पे निगेशन का साइन हमने क्या किया, बाहर लिए सिंपल। तो यहाँ पे भी हम कौन सा लॉ बताएंगे, यहाँ पे हम बताएंगे कॉमिटेटिव लॉ, ओके। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, यहाँ से मूव किया, ओके। इसलिए कौन सा लॉ, कॉमिटेटिव लॉ, कॉमिटेटिव लॉ सिंपल। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको और इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और ये दोनों को एक बड़े से ब्रैकेट में रखेंगे, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विवेलेंट, यहाँ पे ये बाहर, ओके। पी और एंड को क्या किया हमने, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया दोनों को सिंपल। और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अंदर रखेंगे, यहाँ पे बिग बॉस बनाते हैं बड़ा सा ब्रैकेट, ओके। यहाँ पे पी क्यू और आर सिंपल, और यहाँ पे और का साइन, ओके। यहाँ पे ये निगेशन, यहाँ पे क्यू और आर सिंपल, हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ये और ये, हमने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया, इसको क्या किया हमने अभी आगे और पीछे किया। तो यहाँ पे हम जब ऐसा करते कुछ, यहाँ पे अंदर लेके जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम यहाँ पे लॉ लिखना है, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपल। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे क्यू वी आर, ओके। यहाँ पे आगे पीछे था हम, तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे हमने आगे लिया इसको, ओके। यहाँ पे ये बॉक्स और ये बॉक्स सेम है, ओके। यहाँ पे निगेशन, यहाँ पे अगर ट्रू और दोनों ट्रू, यहाँ पे निगेशन, तो ये क्या होता है, फॉल्स हो जाएगा, अरे फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे और है, तो और अकॉर्डिंग टू द और रूल, और के रूल में क्या होता है, जो ट्रू रहता है वो नीचे जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या नीचे लेंगे, टी लेंगे, ओके। क्या था, क्या होगा पी और इसका एंड होगा, ओके। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ सिंपल, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद इनका एंड करेंगे, एंड में क्या होता है, फॉल्स जो रहता है वो नीचे आता है, ओके। यहाँ पे ट्रू है, तो क्या होगा, ये पी है जो
वो नीचे आ जाएगा। एक कौन सा लॉ हमने यूज़ किया यहाँ पे, आइडेंटिटी लॉ। सिंपल यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लॉ यूज़ किया। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपलेट जो सर्किट है उसको हम बनाएंगे। ओके, यहाँ पे पी है तो पी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल। ओके, यहाँ पे हमें सिंपल पी तो क्या होगा, S1। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका बोर्ड लगा देते हैं और यहाँ पे ये एल लाइट। ओके, यहाँ पे जो दोनों में कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, सेम ही होगी। यहाँ पे करंट, ओके सिंपल। तो पे हमने क्या किया इसका, सिंप्लीफाइड सर्किट बिल्ड किया। ओके, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाइड यहाँ पे इसका सर्किट बनाया। तो एक बार हम यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने इतना बड़ा जो सॉल्यूशन किया है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको एंड किया यहाँ पे दोनों का साथ में, इसका और किया, उसके बाद यहाँ पे हमने इनका और इनका एंड किया। ओके, यहाँ पे S3, यहाँ पे निगेशन आ, यहाँ पे S2 डैश है तो यहाँ पे निगेशन क्यों, यहाँ पे इसका बाद में, और यहाँ पे एंड हुआ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे P सिंपल, यहाँ पे हमने ये समझा। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे देखा कि ये जो साइन है यहाँ पे निगेशन का, ये दोनों को हमने क्या किया, बाहर लिया। तो कौन सा लॉ यूज़ किया हमने, डिमॉर्गन्स लॉ। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे जो एंड पी उसको क्या किया हमने, बाहर लिया, मतलब क्या यहाँ पे फर्स्ट में रखा। ओके, तो हमने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ कर दिया, कॉम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ही कोई हमने क्या किया, जो ब्रैकेट से उसको बाहर निकाला, कॉमन लिया, और यहाँ पे ये और ये। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे क्यू को पहले रखा। ओके, यहाँ पे आर को सिंपल, तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेशन में था। ओके, यहाँ पे ये, तो उसके बाद क्या किया हमने, ये इसका टी और यहाँ पे निगेशन, तो यहाँ पे टी इसका क्या हो जाएगा, एफ। तो यहाँ पे अगर हम इसका क्या करते हैं, और करते हैं, और में क्या होता है, जो टी रहता है वो आगे जाता है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, टी को आगे लिया, कौन से लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ओके, तो यहाँ पे हमने पी, यहाँ पे हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया था। ओके, यहाँ पे पी एंड टी, तो एंड में क्या होता है, फॉल्स जो रहता है वो यहाँ पे ट्रू दिया, तो यहाँ पे मतलब जो पी है क्या, फॉल्स। यहाँ पे जो पी है नीचे आएगा, कौन से लॉ से, कॉम्प्लीमेंट लॉ से। ओके, यहाँ पे जो पी आया हमने कहाँ से, आइडेंटिटी लॉ के थ्रू यहाँ पे हमने पी लिखा। यहाँ पे हमने क्या करेंगे, पी का सिंप्लीफाइड सर्किट यहाँ पे हमने क्या बनाया। ओके, यहाँ पे पी क्या है, S1। ओके, यहाँ पे जो हमारा इसका यहाँ तक सोल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन 2 हमने फिनिश किया, और हम इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ला रहे हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मैं आपसे मिलूँगा मेरी इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।